नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गैस बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वैसे तो सभी मैचेस इस टाइम कैंसिल हो चुके हैं या फिर आगे के लिए बढ़ाई जा चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, मगर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पारी के बारे में जिस पारी में ऋषभ पंत ने धुआंधार पारी खेली थी और गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। अगर आप भी ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए। गैस जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऋषभ पंत हो या फिर वो श्रेयस अय्यर या फिर रोहित शर्मा हो या फिर वो विराट कोहली, सभी के सभी बल्लेबाज बहुत ही धाकड़ हैं। IPL 2018 के एक सीज़न में एक मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोनों टीम काफ़ी टक्कर की लग रही थी। माना जा रहा था कि कोई पता नहीं है कि कौन सी टीम आज इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली है, मगर सबसे पहले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फैसला लिया बैटिंग का टॉस जीतने के बाद। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसी साल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को अपना कैप्टन बनाया था, अपना कप्तान घोषित किया था। सबसे पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली की टीम के 3 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए और पूरी की पूरी टीम दबाव में आ गई। 3 विकेट मात्र 43 रन पे गिर चुके थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के। उसके बाद आया ऋषभ पंत का मैदान में तूफान। जी दोस्तों, ऋषभ पंत ने चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए 63 बॉलों का सामना करते हुए 15 बड़े बड़े चौके और 7 गगनचुप्पी छक्के की मदद से नाबाद 128 रन की बहुत ही विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसके सामने कोई भी गेंदबाज नहीं टिक सका और सभी के सभी हैदराबाद के गेंदबाज फेल होते हुए नजर आए। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस स्कोर का पीछा कर लिया और इस मैच को हैदराबाद की टीम ने अपने नाम कर लिया। भले ही हैदराबाद की टीम इस मैच को जीत गई हो, मगर ऋषभ पंत की पारी को देखने के बाद सभी के मुंह से बस एक ही बात निकली, वाह भाई वाह, क्या बात है ऋषभ पंत के लिए, बस एक ही बात निकली थी। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और आप ऐसी क्रिकेट वाली खबरें सबसे पहले देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।